हेलो एवरी वन टूडेज टॉपिक इज अ पोएम द टाइटल ऑफ द पोएम इज द काइट विच आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास एन सी आर टी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी सकल तो इस वीडियो में हम आपकी पोएम द काइट को पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर चिल्ड्रेन हैव यू एवर गेट अ चांस टू फ्लाई अ काइट अगर हाँ तो आपको ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है अगर उड़ाई होगी ना तो ये पोएम बहुत ही अच्छी लगने वाली है आप लोगों को सो so, लेटस blue हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज with a इट्स न्यू a एंड अ it snaps इट tail इट स्टेल देन सोर लाइक अ only a ओनली As over tides of wind, it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When a string goes slack, you wind, you wind it back and run until a new bridge blows and it swings.

आसमान में जब उड़ती है वो कितनी सुंदर लगती है वो किस तरह से ऊपर उठती है नीचे जाती है रुक जाती है और एट लास्ट वो अगर किसी पेड़ पर फंस जाए तो कैसा लगता है उसे देखकर ये सारी चीजें आपकी इस पोएम द काइट में दी गई हुई है तो पोएम स्टार्ट करते हैं हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वेन इट्स न्यू यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि जब जो काइट है वो जब आसमान में ऑन द ब्लू मीन्स नीले आसमान में जब उड़ती है तो वो कितनी सुंदर लगती है कितनी चमकदार लगती है यानी आपने देखा होगा जब आसमान में आपको पतंग दिखाई पड़ती है वो कितनी ज़्यादा चमकती है कितनी ब्यूटीफुल लगती है ब्लू कलर के स्काई में विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल और जब वो आसमान में उड़ती है तो कैसे गोते खाती है डाइव मतलब होता है गोता खाना डिप मतलब होता है थोड़ा नीचे आना और स्नैप्स मतलब होता है कि तेज़ी से फड़फड़ाना या हिलाना यानी कि आपने देखा होगा पतंग के पीछे एक डोरीस टाइप की लगाई जाती है ना टेल तो आसमान में पतंग को देखो काइट को तो कैसे वो ऊपर जाती है फिर थोड़ा नीचे आती है और उसकी जो टेल है वो क्या करती है सरसराती रहती है देन सोर्स Like a ship with only a sail. Sail means क्या होता है जैसे canvas होता है ना हिंदी में बोलते हैं पाल तो आपने देखा होगा ship को पानी में जब वो चलती है तो उस पर कैनवास लगा होता है ना उसी तरीके से आप देखोगे पानी में तो वो कैनवास दिखाई पड़ता है और हवा के सहारे वो चलता है उसी तरह यहाँ पर कंपैरिजन कैनवास का आपकी काइट से किया गया है वैसे ही जैसे कि पानी में शिप का कैनवास लगता है उसी तरीके से आसमान में जो है आपकी काइट दिखाई पड़ती है एज ओवर टाइट्स ऑफ विंड एंड राइड जिस तरीके से पानी की लहरें एक शिप को आगे बढ़ाती हैं उसी तरह आसमान में जो विंड हवा चलती है हवा के सहारे से पतंग आगे बढ़ती है क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अगस्त एंड पुल्स तो क्रेस्ट मतलब क्या होता है ऊंचाई पे। और पतंग आप देखते हो ना आसमान में कभी कभी बहुत ऊपर ऊंचाई में पहुंच जाती है ऑफ अगस्त गस मीन्स हवा का झोंका हवा के झोंके के साथ खूब ऊपर चली जाती है एंड पुल्स फिर हम उसे क्या करते हैं पुल्स करते हैं नीचे की ओर खींचते हैं देन सीम्स टू रेस्ट एज फॉल्स और आप देखते हो जब हवा धीमे पड़ जाती है तो जो पतंग भी क्या होती है वो भी रुक जाती है ऐसा लगता है जैसे अब वो आराम कर रही हो When string goes slack, यू wind इट बैक अब यहाँ पर विंड नहीं पड़ेंगे इससे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वाइंड वो विंड होती है ब्रीज और ये वाइंड मीन्स होता है लपेटना ठीक है तो जब पतंग ढीली हो जाती है स्लैक मतलब होता है ढीला पड़ जाना और जब पतंग की जो डोर होती है स्ट्रिंग होती है वो ढीली पड़ जाती है तो हम उसे क्या करते हैं वापस से चरखी में लपेट लेते हैं एंड रन अ न्यू ब्रीज ब्लोस और तब तक दौड़ते हैं जब तक कि फिर से हवा चलना स्टार्ट नहीं हो जाती न्यू ब्रीज मतलब विंड यानी हल्की हल्की हवा जब तक स्टार्ट नहीं हो जाती हम पतंग की डोर को लेकर दौड़ते हैं एंड इट विंग्स फील एंड अप इ और जब फिर से हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है तो पतंग में जैसे लगता है जान आ गई हो वो फिर से उसी तरीके से क्या करने लगती है फ्लाई करने लगती है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अट वेन इट न्यू और पतंग कितनी सुंदर लगती है नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है जब वो नई होती है बट अ रैगडर थिंक यू नेवर विल सी वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री पर एक खराब चीज़ क्या होती है जो आप नहीं देखना पसंद करते हो क्या होती है जब कभी कभी पतंग जो है उड़ते उड़ते जाकर उसकी जो डोर है किसी पेड़ के टॉप पर जाके फस जाती है ना और रैगडर मीन्स होता है कि फटा हुआ फट जाना तो पतंग वहाँ पर फंस जाती है और फट जाती है तो वो सीन एकदम अच्छा नहीं लगता देखने में तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि पेड़ के टॉप पर जो काइट होती है उसकी स्टिंग फट जाती है और वहाँ पर पतंग जो है फटे हाल में क्या करती है फड़फड़ाती रह जाती है तो ये जो पोयम है यहाँ पर फिनिश हो गई है और आपको ये पोयम तो समझ में आ ही गई होगी इसमें जो न्यू वर्ड्स बताए गए हैं वो भी है। आपको समझ में आ गए होंगे चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर चलते हैं यहाँ पर क्या दिया है लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड इन द डाइव डीप स्नैप तो सारे एक्शन वर्ड है एक्शन वर्ड इसमें कुछ एक्शन करते हुए दिखाई दे वही एक्शन वर्ड्स होते हैं ना जिन्हें वर्ब्स भी कहते हैं तो आप इसमें लिखिए सोर्स राइट फ्लैप ये सारे एक्शन वर्ड और हैं जो आपके पोएम में यूज किए गए हैं फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और इनकी मीनिंग आपको लिखनी है वो मीनिंग आप खुद से लिखिएगा सेकेंड देखिए रीड दिज लाइन फ्रॉम द पोएम देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल तो यहाँ पर जो है दिया गया है द मूमेंट ऑफ द टेनलेसाइट इज कम्पेयर टू अ शिप विद अ सेल दिस इज कॉल्ड अ कॉल्डली जिसका सेम यूज हो यानी कि शिप का कंपेरिजन किसी काइट का कंपेरिजन शिप से किया गया है ना तो यहाँ पर सिमली यूज हुई है कैन यू सजेस्ट वॉट और हु द फॉलोइंग एक्शन मे बी कंपेयर टू तो अब देखिए ही runs लाइक like, अब आपको ऐसा वर्ड लिखना है जिसका से कंपेरिजन किसी का किया जा सके तो वह दौड़ता है जैसे कि डियर अ डियर ही इट्स लाइक अ हॉर्स She sings like a nightingale. It shines like a glowworm. Glowworm in jugnu जुगनू It flies like a kite to तो यहाँ पर आपके इस पोएम में जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो कम्प्लीट हो गई है ये सारी आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए और पोएम को बार बार रिसाइड करिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसने भी काइट को फ्लाई किया होगा उसे बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी ऐसा लग रहा हो लग रहा होगा कि वो पतंग ही उड़ाने लगा हो है ना, और इसमें जो 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 भी वर्ड्स आए हैं न्यू वर्ड्स आए हैं वो सारे वर्ड्स आप कॉपी में नोट करने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से लर्न कर डालिए और जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं डाइव डिप स्नैप और जो मैंने बताए सोल ब्राइट्स फ्लैप्स पुल इन सब की मीनिंग आप खुद से फाइंड करिए और अपनी कॉपी में लिखिए सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू थैंक यू